गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पाठ 10 मेहनत का फल इसके रिक्त स्थान करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसने कहा और क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ हमारे सब हो गए हैं रिवीजन में, आज हम इसका खाली स्थान करेंगे, ठीक है? तो चलिए कॉपी निकालिए और जल्दी से मुझे करके दिखाइए अभी काम। चलिए डेट डालते हैं 5/12/2020 CW रिवीजन पाठ 10 मेहनत का फल इसको अंडरलाइन करेंगे। आज हम लोग खाली स्थान कर रहे हैं, ठीक है? लिखेंगे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त यानी खाली स्थान भरिए, ठीक है? नंबर 1 हमारा क्या है? परछाई उसके, ये खाली जगह डैश है, खड़ी थी। ठीक, दो ऑप्शन है, सामने और पीछे, ठीक है? यहाँ मैं लिख रही हूँ सामने और ये है पीछे, इन दो ऑप्शन में एक सही है, जो सही है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड हमारा है बेलों पर डैश दिखाई देने लगे, पर डैश दिखाई देने लगे। ऑप्शन है हमारे पास बेर और अंगूर, ठीक है? बेर और अंगूर, थर्ड हमारा है कुछ दिनों बाद इनकी डैश करना, क्या करना, इनका धुलाई या सिंचाई। ठीक है, परछाई उसके डैश खड़ी थी सामने या पीछे, ऑप्शन है दो, उसमें एक भरना है। बेलों पर डैश दिखाई देने लगे, बेर या अंगूर, इन दोनों में से ही कोई इसमें आएगा। कुछ दिनों बाद इनकी डैश करना यानी धुलाई या सिंचाई, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमको चौथा करना है। तो बेटा अभी हमने क्या किया था,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। इसमें देखिए दो ऑप्शन है ना, तो इसमें एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन हमारा गलत है। तो पहले क्या था, परछाई उसके डैश खड़ी थी। तो हमने चैप्टर पढ़ा है, हमें पता है कि परछाई कहाँ पर खड़ी थी। तो इसमें दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामने, दूसरा ऑप्शन है पीछे। तो परछाई उसकी कहाँ खड़ी थी, डैश में जो फिल इन द ब्लैंक्स बना है उसमें सही ऑप्शन आपको भरना है। दूसरा क्या है, बेलों पर डैश दिखाई देने लगे। ऑप्शन क्या है, बेर और अंगूर। तो जब जो परी ने हम उसको महेश को जो टहनियाँ दी थी उसके जब उसने पानी से सींचा और कुछ दिनों बाद में बेल निकल आई, तो वो बेल किस चीज़ की थी यहाँ पे हमें बताना है, इस ब्लैंक में भरना है कि वो बेर की बेल थी या अंगूर की बेल थी। दो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। थर्ड है, कुछ दिनों बाद इनकी डैश करना है। कुछ दिनों बाद परी ने कहा था कुछ दिनों बाद इन बेलों की डैश करना, तो डैश में क्या भरेंगे, धुलाई करना या सिंचाई करना। दो शब्द हैं, इसमें से एक गलत है और एक सही है, इसी को आपको सही वाला इसमें ब्लैंक में भरना है। ठीक है, चलिए अब आगे फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ हमारा है, महेश के पास के पास बहुत सारे सारे डैश इकट्ठे हो गए। खाली स्थान यहाँ आ जाए, इकट्ठे हो गए, हो गए। ऑप्शन हमारे पास है, रुपए या अंगूर। दो ऑप्शन है। इसके बाद फिफ्थ है हमारा, डैश का फल का फल हमेशा मीठा होता है। ऑप्शन हमारे पास, मेहनत दूसरा है, आलस तो ये हमारा बेटा आज का रिवीजन है। महेश के बाद बहुत सारे डैश इकट्ठे हो गए, रुपए या अंगूर, दोनों में से एक सही यहाँ भरेंगे। डैश का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत का या आलस का, तो ये हम इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आए। ठीक है, होमवर्क मैं बता रही हूँ आपको, सेम यही अभ्यास कर याद करना है इसी पार्ट का, सॉरी पार्ट 10 के अभ्यास कार्य याद करिए। ठीक है, चलिए बेटा फोर्थ क्या था हमारा, महेश के पास बहुत सारे डैश इकट्ठे हो गए थे। क्या इकट्ठे हो गए थे, दो ऑप्शन है, रुपए और अंगूर। तो महेश के पास बहुत ज़्यादा क्या इकट्ठा हो गया था, वो हमें दोनों ऑप्शन में से एक सही है उसे भरना है। फिफ्थ वाला है, डैश का फल हमेशा मीठा होता है, किस चीज़ का फल, मेहनत का या आलस का। दो ऑप्शन है, मेहनत का फल या आलस का फल, कौन सा फल ज़्यादा मीठा होता है। तो इसमें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको ब्लैंक में भरना है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क में बेटा इसी पार्ट को पीछे जो विलोम शब्द है ना, ये दोनों इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका रिवीजन अभी हमारा नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के मुझे ये काम करके दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।